हेलो, क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सर्कल टच ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हुज साइड्स आर ए बी इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ साइड ए डी इन सेंटीमीटर इज। देखिए, एक तो पहले तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं, यहाँ से क्वाड्रिलेटरल हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है, यह हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया। और उसके बाद एक सर्कल है इसके अंदर में, और सर्कल कुछ इस तरीके से है ना कि ये जो है वो क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल को मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ टच कर रहा है उसको हम मान लेते हैं पी क्यू आर और एस, ये आपका टच पॉइंट हो गया एस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि यहाँ इस पॉइंट से, एक पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन है, ये जो है सर्कल का टेंजेंट लाइन का भी काम करना शुरू कर दिया। तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में बराबर होगा, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन और ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा, और ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ से बराबर होगा। जब हम लोग इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि ए एस, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या कि ए एस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए पी लिख देंगे, ए एस इज इक्वल टू ए पी लिख सकते हैं हम लोग, इधर का ए एस और इधर का ए पी, ओके, ए एस इज इक्वल टू ए पी, और एंड देन आफ्टर, उसके बाद हम लोग इसी तरीके से सबका लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए एस इज इक्वल टू ए पी हो गया, फिर डी एस इज इक्वल टू, डी एस इज इक्वल टू डी आर हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू डी आर हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा सी क्यू इज इक्वल टू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इधर का मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ये सेकेंड मान लेंगे, ये थर्ड मान लेंगे, और ये फोर्थ मान लेंगे, ठीक है। इन चारों को जब हम ऐड करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन बनेगा। ए एस और डी एस को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी आ जाएगा, और बी क्यू और सी क्यू को जोड़ लेंगे ना तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। उसी प्रकार से इधर में, इधर में ए पी और बी पी, यहाँ पर ए पी है और यहाँ पर बी पी है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, और यहाँ डी आर है और यहाँ सी आर है, तो डी आर और सी आर को जोड़ लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ही इक्वेशन बनता है कि ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस डी सी, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्टली मतलब कि इसको फिगर बनाने के बाद डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ना कि यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि इस तरीके से होता है, ये हमने बता दिया। तो ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस डी सी, अब जो भी वैल्यू दिया हो उसको रख लेते हैं, ए डी की ही वैल्यू निकालना है, ए डी नहीं दिया, बी सी की वैल्यू है 9.8, यहाँ 9.8 रखेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 8.4, 8.4 यहाँ रखेंगे, और सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू है 5.6 यहाँ रखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा, और 14 में से 9.8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ए डी की वैल्यू 4.2 आ जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर जो होगा वो थर्ड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।